सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अभी मैं आपको जो प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, बहुत ही प्रीमियम लोकेशन की प्रॉपर्टी है। इस लोकेशन के अंदर आप लोग कोई कमी नहीं निकाल पाओगे, और इस प्रॉपर्टी के अंदर भी आप कोई कमी नहीं निकाल पाओगे। पूरी वीडियो एंड तक देख लेना, पसंद आ जाएगा फ्लैट अगर पूरी वीडियो आप लोगों ने एंड तक देख ली। मेट्रो स्टेशन की बात करें तो 400-500 मीटर के अंदर आपको, रेंज के अंदर आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। लोकेशन इतनी साफ सुथरी है कि आपको ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा, वीडियो में आप लोगों को दिख रहा होगा। लोकेशन की बात करते हैं तो गेटेड गली आपको मिलने वाली है, वो भी साफ सुथरी। प्लॉट की बात करते हैं, ये पूरा प्लॉट जिस पे अभी हम खड़े हैं एग्जैक्ट, ये एक बड़ी बिल्डिंग है, थ्री साइड ओपन बिल्डिंग है। दोनों तरफ आपको चौड़े चौड़े रोड मिलते हैं, एक तरफ 25 फीट रोड है, एक तरफ 30 फीट रोड है, और एक तरफ 10 फीट की वाइडर रोड है। गेटेड गली के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। वीडियो के साथ में बने रहना। 90% प्रॉपर्टी पे लोन है, रजिस्ट्री है, लिफ्ट है, कार पार्किंग है, और कॉमन रूफ रहने वाली है। टेरिस गार्डन हमने बना रखा है, और जितने भी फ्लैट हैं सारे ही इस बिल्डिंग के अंदर आपको 3 BHK के फ्लैट मिलेंगे। प्रीमियम लोगों की सोसाइटी मिलने वाली है, एक तरह से आप ये मान के चलो। लोकेशन में IGL रनिंग में है, सीवेज सिस्टम है, दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, BSES की लाइट है, लिफ्ट, कार पार्किंग, ये तो कॉमन सी चीज है। IGL का कनेक्शन मैं आपको ऊपर ही दिखा देता हूँ, लाइन जा रही है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। कोई हमसे जानकारी छूट जाए वीडियो के अंदर तो वो आप हमें कॉल करके ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी आप हमसे डिटेल ले सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शायद आपको आपके सपनों का घर हमारे ही यूट्यूब चैनल पे मिले। तो चलते हैं बाहर की तरफ, उससे पहले सिनेमेटिक एंजॉय करना। फ्रंट एलिवेशन दिखाते हैं, पार्किंग दिखाते हैं, देन आपको दिखाएंगे आपको आपके सपनों का घर। दिल्ली जैसे शहर में घर लेना बहुत आसान हो चुका है। सिर्फ 10% की डाउन पेमेंट, 90% प्रॉपर्टी पे होम लोन, रजिस्ट्री, लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ। अभी मैं खड़ा हूँ हमारी बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन के बाहर। अगर हम फ्रंट एलिवेशन की बात करते हैं तो देख सकते हैं टाइलिंग्स का प्रॉपर वर्क मिलता है। अगर हम बिल्डिंग से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस में मेन रोड की तरफ चलते हैं, सिर्फ यहाँ से 50 कदम की दूरी पे मेन रोड है,
बिल्कुल नीट एंड क्लीन रोड है, प्रॉपर्टी तक आने के लिए आपको कोई ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा, और साथ में यहाँ पे आपको गेटेड गली भी मिल जाती है। साथ ही बात करते हैं लोकेशन की, तो प्रीमियम लोकेशन है, आसपास स्कूल पार्क आपको द्वारका सेक्टर 15 का मिल जाए, सिर्फ 1 किलोमीटर की रेंज में, BSES की लाइट है, दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, गेटेड लोकेशन है, बहुत ही प्रीमियम लोकेशन का। ये 3 BHK का फ्लैट देखने वाले हैं अभी आप, L टाइप कॉर्नर, ये नीचे पूरी प्रॉपर पार्किंग है, एक बार देखिए और एक बार दिखाइए, पूरे प्रॉपर आपको नीचे की तरफ गेट मिल जाते हैं, ये एक गेट आपको इस तरफ मिलता है इन और एग्जिट के लिए गाड़ी के लिए, और एक गेट आपको प्रॉपर इस तरफ मिल जाता है। 3 साइड ओपन प्लॉट है और दोनों तीनों तरफ आपको चौड़ी चौड़ी वाइडर रोड मिल जाती है। चलते हैं ऊपर, प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और तब तक कीजिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सो आई होप अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अभी मैं बिल्डिंग के कॉरिडोर में खड़ा हूँ, थोड़ा सा आप आइए बाहर की तरफ, शू रैक दिखाना चाहूंगा मैं सबसे पहले आप लोगों को। यहाँ हमारे 3 फ्लैट हैं एक फ्लोर पे, तो तीनों फ्लैट के लिए यहाँ पे शू रैक दे दिए गए हैं, 3 सेपरेट। शू रैक को लेके अक्सर बिल्डिंग के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, यहाँ आपको वो डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा। रूफ आपने देख ली है, छत कॉमन है, पार्क हमने बना रखा है, सिटिंग एरिया वगैरह ऑलमोस्ट सब दिया हुआ है। थोड़ा सा आगे आइए, इस तरफ एल टाइप कॉर्नर 3 BHK का फ्लैट है, सोल्ड आउट है, कस्टमर रह रहे हैं। पीछे की तरफ ये भी 3 BHK है, इसमें हमारे पास अवेलेबल है, इसकी भी वीडियो जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं प्रॉपर्टी दिखाऊंगा इससे रीजनेबल प्राइस में आपको वाला यूनिट मिलेगी। ये हमारे फ्लैट की मेन एंट्रेंस है। फ्लैट के अंदर क्या गिफ्ट दे रहे हैं वो हम वीडियो में जरूर बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही गिफ्ट रहते हैं। एक बार पूरा लिविंग रूम दिखाइए हमारा, ये हमारे फ्लैट के अंदर एंट्री करते ही जो लिविंग रूम मिलता है उसके साइज की अप्रोक्सीमेटली बात करते हैं, तो ऐसे जो आपको साइज मिलता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 की ऐसे लेंथ मिलती है आपको, और ऐसे लंबाई की बात करते हैं 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20 और 4, 24, 12 by 24 का आपको ऐसे लिविंग रूम मिल जाता है, जहां लिविंग और डाइनिंग आप दोनों ही चीजें बना सकते हैं। और फोर सीलिंग की बात करें तो आपको एक अट्रैक्टिव डिसेंट साइज में 4 सीलिंग मिलती है, जहां आपको लाइटिंग्स का वर्क प्रॉपर आपको मिलने वाला है। पीछे की तरफ आपको बहुत ही प्यारा काम मिल जाता है कुल्टिंग का, तीनों साइड आपको दिख रहा होगा, तीनों साइड कुल्टिंग का वर्क, प्रोफाइल लाइट का वर्क, और थोड़ा सा इधर घुमा के दिखाइए ऊपर की तरफ वॉल लैंप। साथ ही आप लोगों को यहाँ पे इंटरकॉम फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। जितने भी स्विचेज हैं यहाँ पे ओरिएंट कंपनी के हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। इस तरफ आपको टीवी पैनल मिल जाता है अच्छे खासे बड़े साइज में, यहाँ आप डेकोरेट आइटम्स रख सकते हैं। और थोड़ा सा लेआउट समझाना चाहूंगा, एल टाइप कॉर्नर का फ्लैट है 3 BHK का, तो वेंटिलेशन की इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई कमी नहीं होगी, फ्लैट के अंदर आप लोगों की फैमिली को कोई सफोकेशन नहीं होगा, घुटन महसूस नहीं होगा। ये इसकी किचन है यू शेप में, जिसमें आपको विंडो भी मिलेगी और चिमनी भी मिलेगी। थोड़ा सा इस तरफ आइए, बाहर की तरफ हमने दे दिया हैंड वॉश का एरिया, डाइनिंग के साथ में आपको जो स्पेस मिलते हैं हैंड वॉश आप बाहर कर सकते हो। इस तरफ वॉशरूम, ये फर्स्ट बेडरूम आएगा और 2 बेडरूम हमारे उस तरफ आ जाएंगे, तीनों रूम से मतलब यहाँ आपको बालकनी प्रॉपर मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी माताओं बहनों की, ये यू शेप में किचन है, सारी की सारी मॉडलर किचन, टाइलिंग्स का किचन के अंदर प्रॉपर वर्क आप लोगों को दिख रहा होगा, वेंटिलेशन के लिए विंडो, साथ में आप लोगों को हम देते हैं लगा के चिमनी, साथ ही हम लोगों को दे रहे हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर को RO लगा के बिल्कुल न्यू, सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक गिफ्ट और है वो वीडियो में जरूर बताऊंगा, बने रहिएगा। इस तरफ आपको फ्रिज का स्पेस मिल जाएगा। ये थी हमारी किचन की बात, जिसमें आपको 2 साइड में सिंक मिल जाते हैं, एक तरफ आप गंदे बर्तन रख सकते हैं, एक तरफ आप रख सकते हैं अपने बर्तन साफ करके धुल के इस तरफ।
कॉमन गेस्ट वॉशरूम दिखाते हैं सबसे पहले। इसका कॉमन गेस्ट वॉशरूम ये है, इस तरफ हैंड वॉश का एरिया है, शावर का एरिया, और वॉशरूम में हम दे रहे हैं एक गीजर लगा के सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर को। शेयर करने पे और कमेंट करने पे ये गीजर आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट पे। फर्स्ट बेडरूम है ये आपका, ये रहेगा मास्टर बेडरूम जिसके साइज की बात करते हैं तकरीबन 4 4 8 4 12, ऐसे जो आपको मिलने वाला है 12 की लेंथ मिलती है, और ऐसे अप्रोक्सीमेटली 2 4 6 8 10 12 12 बाय 12 का ये बेडरूम का साइज मिलता है आपको फर्स्ट बेडरूम। इस तरफ आपको स्लाइडिंग वार्डरोब मिलेगी, और आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, आपको विंडो दे दी है इतनी बड़ी, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। अगर मैं लाइट भी बंद कर दूं ना, प्रॉपर आपको रोशनी मिलेगी यहाँ पे। मैं आपको लाइट बंद करके दिखाना चाहूंगा ये वाला रूम आपको सबसे पहले। ये आपको विदाउट लाइट, आपको नेचुरल लाइट मिलती है इस रूम के अंदर, आपको दिख रहा होगा प्रॉपर आपको सनलाइट मिलेगी। सनलाइट भी अभी अच्छे से आ रही है। इस तरफ से एक बार बालकनी दिखा दीजिए, बालकनी दिखा दीजिए, प्रॉपर सनलाइट मिल रही है आपको। वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है। साथ में टीवी पैनल मिल जाता है रूम के अंदर। इसका ये अटैच वॉशरूम है, साइज सीरियसली कहूं तो भाई आप देख सकते हो कितने आराम से मैं मूव कर रहा हूं। इतने बड़े साइज में सीरियसली बहुत कम आपको वॉशरूम मिलेंगे। हैंगिंग पॉट आ गया, शावर का एरिया इस तरफ आ गया, आप लोग बकेट रख के इजीली नहा भी सकते हैं, और हैंड वॉश का एरिया भी यहाँ पे आ गया। टाइलिंग्स का ए टू जेड वर्क किया हुआ है, पीछे की तरफ शाफ्ट भी आप लोगों को मिल जाती है। एक बार बालकनी दिखा दीजिए बाहर से। चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ बालकनी। ऐसे हम बात करते हैं तो 4 से 5 फीट की आपको ऐसे चौड़ी मिलती है बालकनी। बाहर वॉशिंग का स्पेस मिल जाता है। टाइलिंग्स का प्रॉपर खासकर हमने ध्यान रखा हुआ है। टफन ग्लास की पूरी रेलिंग मिलेगी आपको यहाँ पे, और ऐसे स्टील की। ऐसे की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 15 फीट की आपको ऐसे रनिंग बालकनी मिलेगी, ऐसे 4 से 5 फीट के आसपास की चौड़ी बालकनी। आ जाइए इसी बालकनी से हम आ जाते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। 3 बेडरूम है, तीनों के अंदर आपको बालकनी का एक्सेस मिलने वाला है। ये मिलेगी आपको प्रॉपर विंडो ग्रिल के साथ, ऊपर आपको मिलता है एसी का प्रोविजन, पॉइंट ऊपर दिया हुआ है। बेडरूम के साइज की बात करते हैं 4 4 8 4 12, 12 की आपको लेंथ ऐसे मिलती है, 2 4 6 8 10 12, 12 बाय 12 का आपका बेडरूम का साइज है, ज्यादा होगा ऐसे अप्रोक्सीमेटली ज्यादा है, और ऐसे 12 अप्रोक्स मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा इस तरफ दिखा दीजिए वार्डरोब का स्पेस, ये वार्डरोब है हमारी। ऊपर की तरफ आपको स्टोरेज मिलेगा, और इस तरफ आपको ड्रेसिंग एरिया, ये ड्रेसिंग एरिया मिल जाएगा। और थोड़ा सा और घुमाइए, वॉलपेपर आप अपनी चॉइस से एक वॉल पे लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ वॉल लैंप आ गया, और इसी के जस्ट अपोजिट में टीवी पैनल। 2 बेडरूम देखे आपने, दोनों में टीवी पैनल दे दिए, लिविंग रूम में टीवी पैनल, और दोनों बेडरूम में अभी तक आपने देख लिए हैं फुल वार्डरोब बना के हम दे रहे हैं। आज ये एक बार इसकी आन बान शान देख लीजिए। लिविंग रूम प्रॉपर्टी पे 90% तक होम लोन है, रजिस्ट्री है, लिफ्ट है, कार पार्किंग है, गेटेड गली के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है। और जो साथ में इसकी खास बात है कि वॉकिंग डिस्टेंस में आपको प्रॉपर्टी मिलती है। अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो इस प्रॉपर्टी तक आने के लिए आपको ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा। दोबारा से मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, पूरी वीडियो एंड तक देखिए, प्राइसिंग जरूर बताऊंगा आपको वीडियो में। हम देंगे आपको प्रॉपर्टी में 99.9% एक्यूरेट डिटेल, सब कुछ हम दिखाते हैं, आपका ट्रस्ट है, तभी हम यहां तक पहुंचे हैं। इस बेडरूम के बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली 12, ऐसे आ गया हमारा 12, 2 4 6 8 10 2 12, 12 इस तरफ दब गया है, जो आपको अंदर अंदर साइज मिलता है वार्डरोब के अपार्ट, 2 4 6 8 और 9 9 फिट आपको अंदर अंदर मिल जाता है। वार्डरोब हमने फुल बना रखी है, अगर हम नहीं बनाते तो आपको पूरा वार्डरोब का भी स्पेस मिलता। एक बार वार्डरोब देखिए, इतनी बड़ी वार्डरोब, 12 फिट की वार्डरोब है पूरी, इतनी बड़ी सीरियसली कोई नहीं बनाता, फुल वार्डरोब है। ऐसे हमने कितनी बताई चौड़ाई 12 फिट की, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 8 फिट की तो फुल वार्डरोब हो गई है। इस तरफ स्टडी टेबल दे दी है बच्चे के पढ़ने के लिए,
हर किसी का हम खासकर ध्यान रखते हैं, अपनी माताओं बहनों और भाइयों का, सबका। बच्चा पढ़ता है तो अपना यहाँ बुक शेल्फ बना सकता है, ये पूरा ऊपर इधर से दिखा दीजिए जरा, बुक शेल्फ बना सकता है बच्चा पढ़ने के लिए। देखिए यहाँ कुछ भी रख सकता है, नीचे आपको बुक्स के लिए स्पेस दे दिए, यहाँ पेन वगैरह रख सकते हैं, और साथ में विंडो भी मिलती है इसमें, पूरी बड़ी विंडो। कमेंट कर दीजिए एक बार प्रॉपर्टी आपको किस तरह की लगी, और शेयर जरूर करना प्रॉपर्टी की वीडियो। लिफ्ट, लोन, कार पार्किंग के साथ प्रॉपर्टी है, इस तरफ बाहर की तरफ भी वॉशिंग का स्पेस मिल गया आप लोगों को, टाइलिंग्स का प्रॉपर वर्क है। और अगर यहां से आप दिखा सकते हैं तो एक बार दोबारा से दिखा दीजिए, गेटेड गली है, गेटेड गली मिलती है, अच्छी खासी लोकेशन है। लोगों की बात करें तो जेंट्री आपको अच्छी मिलेगी इस लोकेशन में। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, मेन मुद्दा आता है प्राइसिंग क्या रखी हुई है। अगर आप लोगों ने वीडियो एंड तक देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है, अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आ रही है तो आज ही एक बार इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए। लिमिटेड ऑप्शंस रह चुके हैं। प्राइसिंग है इस फ्लैट की 68 लाख रुपीज। आज ये इस दिवाली और इस न्यू ईयर पे आप भी अपना घर बना लीजिए। इस लोकेशन के आसपास में बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी जेंट्री मिलेगी आप लोगों को यहाँ पे। मोस्टली आप लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्यादा मिलेंगे इस लोकेशन में। लोकेशन में आपको आसपास में पार्क आपको द्वारका के मिलेंगे, जो कि सेक्टर 15 का डिस्ट्रिक्ट पार्क है। इस प्रॉपर्टी से हार्डली 5 मिनट की डिस्टेंस पे, मतलब आधा से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में पार्क मिल जाएगा। वेगस मॉल की बात करें 2 से 3 किलोमीटर। गुड़गांव जाना चाहते हो तो अप्रोचेबल है, नजफगढ़ की तरफ से एक एक्सप्रेस वे निकला हुआ है जो कि डायरेक्ट आपको 5 मिनट में सेक्टर 21 पे ड्रॉप कर देगा, और वहां से आपको 10 से 15 मिनट लगने कहीं पे भी निकलना है। एयरपोर्ट इजीली एक्सेसिबल है यहाँ पे। नोएडा जाना है तो आपको ब्लू लाइन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आपको मिस नहीं करना है, आ जाना है और इस घर को विजिट कर लेना है। लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आज ये जल्दी से 90% तक इस प्रॉपर्टी पे लोन है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय महाकाल सभी को।